नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश में कोरोना की दो वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद अब बारी टीकाकरण अभियान की है। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान को शुरू करने का ऐलान कर दिया है। सरकार के इस ऐलान से पहले ज्यादातर राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्य में टीकाकरण को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बीच झारखंड सरकार ने प्रदेश में 99,79,000 लोगों की सूची तैयार की है जिन्हें कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। 2011 की जनगणना के मुताबिक झारखंड की आबादी 3.5 करोड़ है। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 50 साल से ज्यादा उम्र के 62,97,000 लोग और 50 साल से कम उम्र के 3,42,000 लोग इस सूची में हैं, जो डायबिटीज, कैंसर, फेफड़ों की बीमारियों से पीड़ित हैं। इन सभी को पहले चरण में टीकाकरण किया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने टीकाकरण अभियान के लिए जिन 99,79,000 लोगों की पहचान की है, उनमें से पहले चरण में 1,05,000 हेल्थ केयर वर्कर्स और 2,00,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण अभियान के प्रति प्राथमिकता के आधार पर लिस्ट तैयार कर ली है। सबसे पहले 1,05,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका लगेगा, वहीं इसके बाद 2,05,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। इसमें आंगनवाड़ी सेविकाएं भी शामिल होंगी। इसके बाद राज्य और केंद्र सरकार के पुलिस जवानों, सशस्त्र बलों, होमगार्ड, जेल कर्मचारी, आपदा प्रबंधन समन्वयक, नागरिक सुरक्षा संगठन, नगरपालिका कर्मी और राजस्व अधिकारियों के रूप में काम कर रहे फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।